हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। आप जो भी वीडियो शूट करते हैं उसका बैकग्राउंड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो ये कैसे करना है, उसके पहले एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि आपको वीडियो जो है वो अपने वीडियो को क्रोमा पे शूट करना है। क्रोमा मीन्स आपके पीछे बैकग्राउंड में जो होगा ए ग्रीन कलर का पर्दा लगा होगा, ग्रीन कलर की स्क्रीन होगी, और वो किसी और कलर की भी हो सकती है, ब्लू और रेड, एनी कलर। तो आप उस स्क्रीन के ऊपर में जब आप अपनी वीडियो को शूट करेंगे तो आप उसके बैकग्राउंड पे कोई सा भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं, जो आपके आपका मनपसंद बैकग्राउंड हो, वीडियो हो, फोटो हो, कोई सा भी बैकग्राउंड जो है वो आप उसके ऊपर में डाल सकते हैं। और ये बहुत आसान सा है, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे कर सकते हैं। और तो चलिए देखते हैं कि कैसे वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करें। लेकिन उसके पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप उसके ऊपर में क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोज़ जो हैं वो आपके पास पहुंच सकें। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाइए और सर्च बॉक्स में काइन मास्टर KINEMASTER काइन मास्टर प्रो एडिटर ये टाइप कीजिए। और ये जो ऐप है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसके लिए मैं इसे अभी ओपन करूँगा। तो इसको ओपन करता हूँ। ओपन होने पे ये जो आप बटन देख रहे हैं, इसमें एक एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर में आपको क्लिक करना है। एम्प्टी प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट खुल के आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ मीडिया है, इस मीडिया के ऊपर में आप क्लिक करें और ये इस ऐप के अंदर ऑलरेडी बैकग्राउंड्स हैं, तो इसी में से मैं कोई बैकग्राउंड एक चूज़ कर लेता हूँ, कोई सा भी, ये ग्रीन वाला ये चूज़ कर लेता हूँ मैं। आप कोई सा भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ़ोटो या वीडियो जो भी आप करना चाहें, और वो आप बैकग्राउंड डाल सकते हैं अपने वीडियो के बैकग्राउंड के तौर पे। आप वीडियो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको मीडिया में जाना है और आपको वो वीडियो चूज करना है जिसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, जो कि क्रोमा पे शूट किया गया है। तो मेरे पास एक वीडियो है जो मेरा खुद का वीडियो है, मेरे ऑडिशन का। तो मैं उसका बैकग्राउंड जो है वो आपको चेंज करके बताता हूँ। ये मेरा एक वीडियो है जिसका बैकग्राउंड ग्रीन है, जो कि क्रोमा पे शूट हुआ हुआ है। तो आप इसके ऊपर में क्लिक करके आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, बकायदा जो स्क्रीन है उसकी साइज का कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया। और ये जितना लंबा वीडियो है, आपको जो मेन मीडिया वाइल है, जो बैकग्राउंड आपने चेंज करना है, वो उसको उतना लंबा करना पड़ेगा। स्क्रॉल करके आप वहाँ तक खींच के ले जाइए। अब जो जिस वीडियो का करना है उसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे में ये देखिए, यहाँ पे क्रोमा की करके एक ऑप्शन आता है, उस क्रोमा की पे आप क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे एनेबल के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो एनेबल के ऊपर में आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ये देखिए, ये
शो मास्क के ऊपर में आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपका वीडियो कैसा दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं कि जो वाइट है, वाइट बैकग्राउंड जो है, ये वाइट और ब्लैक जो बैकग्राउंड है वो आपका ग्रीन जो स्क्रीन है, जो क्रोमा है वो है, और वाइट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है जो जो आपने शूट करा हुआ है। और इसको करने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, जो पीछे में ग्रीन बैकग्राउंड था वो चेंज हो गया है। ये जो पीछे में जो आप देख रहे थे ग्रीन बैकग्राउंड, ये चेंज हो गया है, और जो बैकग्राउंड मैंने डाला है वो उसके ऊपर में आ गया है। अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। शो मास्क पे क्लिक कीजिए और देखिए कि क्या होता है। देखिए, जो ये आपका वाइट ऑब्जेक्ट है वो मेन ऑब्जेक्ट है, और जो ब्लैक है वो आपका क्रोमा स्क्रीन है। तो अभी देखते हैं, ये देखिए, तो ये इसका ये देखा आपने, इसका भी बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप फिर से आप इसको शेयर कर सकते हैं, सेव टू गैलरी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाता है। वो बैकग्राउंड आप कोई सा भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो किसी और कलर का डाल सकते हैं बैकग्राउंड पीछे, कोई सा भी कलर हो, ये कोई सा भी कलर जो है वो आप डाल सकते हैं इसके में। आप देख रहे होंगे शायद, जो भी चाहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे आप टच करें और उसके बगल में एक बेल आइकन है, इस आइकन को भी आप ज़रूर टच करें ताकि हमारे वीडियोस आपके पास आसानी से पहुँच सकें।